अब कोई लोग कहते तुलसी पहनने का फायदा क्या है, अच्छा बताओ तुलसी कहां पहनी जाती है, जोर से बोलो, तुलसी गले में धारण की जाती है, राइट। अगर कोई व्यक्ति आपका गला पकड़ ले तो, कोई आके आपसे ताकतवर आदमी आपका गला पकड़ ले तो क्या करता है, क्या करता है, मुक्त कर देता है, कैसे बोले, जीवन से मुक्त कर देता है, करता है कि नहीं, तब तक नहीं छोड़ता जब तक मुक्त ना हो जाए। तुलसी भी जिसका कंठ पकड़ लेती है जब तक उसे मुक्ति न दिला दे तब तक छोड़ती नहीं। जिसने तुलसी धारण की है, जिसने जिसके गले को तुलसी ने पकड़ लिया है वो मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वैष्णवी वृत्ति जैसी तो, अब ऐसा नहीं कि तुलसी पहनकर भी लोग अनाप शनाप खा रहे हैं, उनकी फिर कोई गारंटी नहीं। आप अगर तुलसी पहने हुए हैं और आप सीधे साधे भोजन भी कर रहे हैं तो भी वो प्रसाद हो जा रहा है, आपने सिर्फ भोजन कर लिया, तुलसी कंठ में होने के कारण वो प्रसाद हो गया। तुलसी कंठ में है और प्राण निकल जाए, आहा। एक जगह हम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात पढ़ी है, व्यक्ति मर जाए तब भी उसके गले से तुलसी नहीं हटानी चाहिए, मर जाए तो तुलसी खोल के, ऐसे खोल के उसके गले में ही डाल दो और उसकी चिता में चंदन और तुलसी की लकड़ी डाल दो, कल्याण हो जाता है। बहुत जरूरी है, इन चीजों को सीख लो मरने से पहले। माथे से तिलक मत हटने दो, गले से तुलसी मत हटने दो, जिभ्या से भगवान का नाम मत हटने दो। कार्तिक मास में तुम्हें कथा सुनने को मिल रही है, ठाकुर जी ने तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए अवसर दिया है। ऐसे ही नहीं, अरे तुमने इतना जीवन बिना कथा के निकाल दिया और शेष जीवन भी निकाल देते, क्या फर्क पड़ता भगवान पे और तुम पे, दोनों पे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन नहीं, ठाकुर जी कहते अब नहीं, अब लो नसानी अब ना नशे, बहुत निकल गई तेरी, अब नहीं निकलने दूंगा, आके बैठ यहां पर। अच्छा बताओ पहले दिन जैसा ही माहौल है क्या यहाँ, जैसा 28 तारीख को माहौल, तो वैसे 30 को वैसे ही है क्या, जवाब दो। यहाँ की प्रवृत्ति में वैसे यहाँ का माहौल कैसा लग रहा अभी आपको, बोलो, चेंजेज है कि नहीं, चेंजेज है। यहाँ के कणों में भी कृष्ण और राधा नाम गुंजायमान होने लग जाएगा 7वें दिन तक, इतना पवित्र और इतना चेंजेज हो जाएगा यहाँ।